फ्रेंड्स, मैं हूं दोनों रखता और आप देख रहे हैं दी इंटर माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको हेलो बॉक्स के ओल्ड सॉफ्टवेयर को 3D सॉफ्टवेयर में कैसे अपग्रेड करना है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ये सॉफ्टवेयर हेलो बॉक्स का तब आया था जब ये जियो के चैनल इस पर वर्क करते थे बेस्की के, लेकिन वो तो बंद हो चुके हैं। अब इसको अगर आपने 3D मेन्यू में अपग्रेड करना है तो आपके पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये देखें। पहले इसका ये देखें, इस तरह सिग्नल की इन्फॉर्मेशन आती है, ये जो ओल्ड था। अगर इसको 3D में अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पर समझने की ये बात है कि अगर आपने इसको ऑल पे रखा है तो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर आपकी मुकम्मल सेटिंग ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपके पास चैनल्स सेव हैं, जिन सैटेलाइट के आपने सर्च किए हुए हैं, वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने अपनी सेटिंग चेंज नहीं करनी, चैनल भी डिलीट होने से बचाना है, तो यहाँ पर आपने ऐप सेलेक्ट करना है। ये देखें, सेक्शन आपने ऐप सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने वो फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर अभी मैंने USB इसमें एंटर नहीं की, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है गूगल से। अगर आपको ना मिल रहा हो तो मुझे कमेंट्स में अपना नंबर दे दे, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर 3D वाला सेंड कर दूंगा। तो मैं इसमें USB इंटर कर दूं। तो फ्रेंड, USB मैंने सेंड कर दी है, ये देखें यहाँ पर मेरे पास ये दो सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर ये वाला है सॉफ्टवेयर 3D में। अब इसको आपने स्टार्ट पे ओके कर देना है। ये देखें, ये अपग्रेड हो रहा है। अगर यहाँ पर अपग्रेड होने के दौरान पावर कट हो जाए तो उसके बाद आपका रिसीवर रेड लाइट पर चला जाएगा या डेड भी हो सकता है। कोशिश क्या करें, जब भी इसको अपग्रेड करें आपके पास UPS होना चाहिए, वरना आपके रिसीवर रेड लाइट पर चला जाएगा। उसके बाद आपको कैसे उसको रिकवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ये देखें दोस्तों, हेलो बॉक्स 6 में ये कन्वर्ट हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है। ये देखें लोगो आपके सामने। ये देखें, मेरी तमाम की तमाम सेटिंग्स भी सेव है। ये देखें, ये मेरे सैटेलाइट पर स्कैन है, जो भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, बस इसका थीम चेंज हो गया। ये देखें, फेवरेट लिस्ट जैसे भी मैंने बनाई थी वैसे के वैसी ही है। उसके बाद मैं आपको ये देखें सिग्नल की इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिजिटल भी आ रहे हैं। उसके बाद ऊपर आपको कलरफुल पट्टियां भी नज़र आ रही हैं। ये देखें, अब मेन्यू मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये है 3D मेन्यू इस सॉफ्टवेयर का। अब इसमें आपको बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी मिलती हैं। यहाँ पर मैं इसको अभी USB से निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं इस पर वाईफाई एंटर करता हूँ। यहाँ पर आपने USB वाईफाई एंटीना लगा लेना है। आपके पास मिनी USB एंटीना होना चाहिए जिस पर 802.11n लिखा हुआ हो, वही टेंडा USB एंटीना या इस पर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मैं इस पर ये एंटर कर दूँ। यहाँ पर ये लगाने के बाद आपसे जब भी इंटरनेट का कनेक्शन इस पर ओके हो जाएगा, ये देखें, ये अब हमें फिर से अपग्रेड का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपने अपग्रेड करना है तो आपका सॉफ्टवेयर तो अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन उसी थीम में चला जाएगा।
सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाएगा, ये मेन्यू आपके पास ये थीम नहीं आएगा अगर आपने इसको अपग्रेड कर दिया। तो मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाला थीम चाहिए। तो एस्केप प्लस को आपने ऑन कर लेना है, उसके बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। अगर ना हो तो डीबीबी फाइंडर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको स्कैन करके, स्कैन करने के बाद आपके पास एक कोड शो होगा, वो आप एंटर करके इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको पहले से किया हुआ है। और इसके बाद आपने यहाँ पर, मैं आपको आईपीटीवी चेक करा दूं, ये देखें दोस्तों, ये इसके लाइव इसकी जो भी चैनल इस पर आएंगे लिस्ट सामने है आपके। फिलहाल में क्योंकि ज्यादातर इंडियन चैनल पसंद किए जाते हैं, और भी अच्छे अच्छे चैनल हैं, ये है इंडिया। अब इसको सिलेक्ट कर दें, यहाँ पर ये देखे जितने भी चैनल इस पर ऐड है आपके सामने, 203 चैनल इस पर है। क्वालिटी भी उनकी आगे लिखी हुई है। मैं पहला चैनल ही चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखे ये प्ले हो गया। इस तरह आप इसके चैनल आईपीटीवी के भी फ्री देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पर। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है दोस्तों। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे, मैं उसको सेंड कर दूंगा ये 3D मेन्यू वाला सॉफ्टवेयर। अगर ऐसा होता है कि अगर आप गूगल से कोई फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका रिसीवर डेड हो सकता है। बाद अवकात ऐसे भी होता है सॉफ्टवेयर मैच नहीं करता, आप बार बार उस पर कोशिश करते रहते हैं। उसकी ये वजह है कि उस पर ईप्रोम ऐसी छोटा, जो मेमोरी ऐसी है वो छोटा लगवा हुआ है, इस वजह से नया सॉफ्टवेयर उस पर वर्क नहीं करता, या आप उसका वर्जन चेंज करके लगा रहे होते हैं। अगर आप इसका वर्जन चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास प्रोग्रामर होना चाहिए, और उस पर आप इसकी मेमोरी चिप ऐसी को इरेज करके नया सॉफ्टवेयर जो भी आप इस पर करना चाहें, GX6605 के जो भी कार्ड हैं उन पर आप आसानी से प्रोग्रामर की मदद से वो सॉफ्टवेयर उस पर अपग्रेड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामर के साथ कैसे आपने सॉफ्टवेयर करना है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।